ईवीएस शॉर्टकट में से बोलेंगे और पर्यावरण धन है टॉपिक। बाकी जिनके बच्चे केवी वगैरह में पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स, वो थर्ड क्लास इंट्रोड्यूस हो रहा है। इसमें क्या है कि बच्चों को हम बाहरी दुनिया से कैसे कोरिलेट करके पढ़ाएंगे, ये हमको देखना है। कोई भी आप टॉपिक लीजिए तो उसमें हम बच्चों को कैसे बताएं कि ये पर्यावरण के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है, इस चीज को हम उसको उसी के स्तर पे और आसानी से बताएं। जैसे आपने अपने टाइम देखा होगा जब 20-25 साल पहले हम लोग छोटे थे तो क्या बोतलों में पानी मिलता था, बताइए मिलता था। अभी हम जब इस समय में आ गए हैं तो हमने क्या देखा कि 20 रुपए बोतल मिलने लगी है, 25 रुपए बोतल मिलने लगी है, ऐसे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा। ये जब बच्चे आएंगे उस टाइम तो शायद ये बोतलों का पानी की इतनी किल्लत हो जाएगी कि वो बढ़ के उसे 50 रुपए मिलने लगे। अब आप दिमाग में सोच रहे होंगे कि अरे यार ये छोटी सी चीज बच्चों को हम बताएंगे तो उसे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसपे मुझे कहानी याद आ रही है, आप सामने सुनी होगी। एक जंगल में आग लगी होती है, सामने सुनी, जितने लोगों ने सुनी अच्छी बात नहीं सुनी, कोई बात बताते छोटा ही। आग लगी होती है तो सभी लोग आग बुझा रहे होते हैं। एक चिड़िया भी बिचारी वो भी पानी उठा बुझा के उसमें डाली होती, जो उससे जितना उसके हो सकता है। तो किसी ने उसे पूछा कि तुम कहां परेशान हो, कितना पानी तुम डाल रहे हो, आग बुझी जा रही है। तो उस चिड़िया ने कहा आग बुझे ना बुझे, भविष्य में जब नाम हो जाएगी कितने लोग आग बुझाने में थे तो मेरा भी नाम इंक्लूड किया जाएगा। तो यही चीज हमें बच्चों को मोटिवेट करना है, कहते हैं कि हमको इस बात को दुख नहीं रहेगा कि हमने कुछ किया है। तो यही उसको बच्चों को मोटिवेट करना है कि आज से जब 20-25 साल बाद की कुछ ना कुछ तो बच्चे किए, अगर वो डेली अगर 5 लीटर 2 लीटर पानी बचा रहे हैं तो फ्यूचर के लिए कहीं ना कहीं उनके अगर पर्यावरण को प्रदूषण होने के लिए थोड़ा कहीं ना कहीं अपना योगदान दे रहे हैं तो आज से 20-25 साल के बाद कुछ ना कुछ अच्छा होगा। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले